हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, VKB, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, डूंगरपुर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन की। ये टॉपिक BSc पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड से बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन से। केमिकली क्रोमोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं नेचर में, और ये किससे मिलके बनते हैं? RNA, DNA प्लस प्रोटीन, इनसे मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम में 30-40% DNA होता है, 50-65% प्रोटीन्स होती हैं एंड 0.5-10% RNA प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं DNA की। DNA का जो अमाउंट है सोमेटिक सेल में जो प्रेजेंट होता है वह कांस्टेंट होता है, जबकि गैमेटिक सेल में DNA का जो कंटेंट है वो हाफ होता है सोमेटिक सेल की कंपैरिजन में। क्रोमोसोम में जो DNA प्रेजेंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला है यूनिक DNA, सेकंड है रिपीटिटिव DNA। तो पहले हम बात करेंगे यूनिक DNA की। यूनिक DNA में DNA की वो सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं जो कि सिंगल कॉपी में होती हैं पूरे जीनोम में, सिंगल कॉपी में होती हैं पूरे जीनोम में, और ये नेचर में यूनिक होती हैं। यूनिक DNA जो है इसको नॉन रिपीटिटिव DNA भी कहा जाता है, और इस DNA से उन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल में लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। एग्जांपल के लिए स्टोरेज प्रोटीन्स। सेकेंड जो DNA का टाइप है वो है रिपीटिटिव DNA। रिपीटिटिव DNA में DNA की वो न्यूक्लियोटाइड्स या फिर कह सकते हैं बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्यू होती हैं, कम होती हैं, और ये सेवरल हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग होती हैं, फ्यू टू सेवरल हंड्रेड बेस पेयर, यानी कि कुछ से लेके और सेवरल हंड्रेड बेस पेयर तक लंबे ये सीक्वेंसेस हो सकती हैं, और प्रेजेंट टू सेवरल टू है मिलियन कॉपीज़। और कितनी कॉपीज़ में प्रेजेंट होती हैं? कई कॉपी से लेकर के मिलियन कॉपीज़ तक पर जीनोम में इनका नंबर हो सकता है। ह्यूमन जीनोम में 30% रिपीटिटिव DNA प्रेजेंट होता है। रिपीटिटिव DNA को भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हाईली रिपीटिटिव DNA एंड सेकंड है मॉडरेटली रिपीटिटिव DNA। दूसरा जो केमिकल कंपोजिशन का फैक्टर है या कंटेंट है वो है RNA। प्यूरीफाइड जो क्रोमेटीन है उसमें 10-15% RNA प्रेजेंट होता है। RNA जो कि एसोशिएट रहता है क्रोमोसोम से वो कौन सा है? mRNA हो सकता है, tRNA हो सकता है एंड राइबोसोमल RNA हो सकता है।
तीसरा जो केमिकल कंपोजिशन का कंटेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड रहती हैं और इनको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन्स, दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स में कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण ये नेचर में बेसिक होती हैं। तो पहला है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन का 80% बनाती हैं। ये प्रोटीन 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होती हैं डीएनए के साथ। इसके 5 फ्रैक्शंस हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये 5 टाइप की होती हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। और इसके टाइप्स कौन से हैं, 1H1, 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। दूसरी जो टाइप की प्रोटीन्स हैं वो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स टोटल प्रोटीन मास का 20% बनाती हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के का जो कंटेंट है वो डिफरेंट होता है स्पीशीज टू स्पीशीज। नॉन हिस्टोन प्रोटीन में कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं जैसे डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। थैंक यू।